बाई टू ज़ीरो टू टू पाई आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, वन बाई अपर लिमिट पुट की तो टू पाई का होल स्क्वायर बाय टू, लोअर लिमिट पुट करी तो ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टू के साथ टू कैंसिल, टू पाई स्क्वायर बाय पाई, तो यहाँ से पाई के साथ पाई कैंसिल, टू पाई आ जाएगा। ठीक है, टू के साथ टू कैंसिल हो जाएगा और पाई के साथ पाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू पाई आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो ए नॉट क्या हो जाएगा मेरा, टू पाई। ठीक है, सिमिलरली ए एन की वैल्यू क्या आएगी, ए एन की वैल्यू आएगी मेरे पास टू बाय टू पाई। ठीक है, माइनस ज़ीरो ज़ीरो टू टू पाई एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस टू एन पाई एक्स बाय बी माइनस ए, यहाँ पे हो जाएगा टू पाई इंटू डी एक्स। तो यहाँ से वन बाय पाई ज़ीरो टू टू पाई एक्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स है, यहाँ से टू के साथ टू कैंसिल, पाई के साथ पाई कैंसिल, कॉस एन एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब क्या करते हैं इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकेंड फंक्शन मान के, तो ये क्या हो जाएगा एक्स साइन इसकी इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, तो वो क्या हो जाएगी मेरे पास कॉस एन एक्स की वैल्यू साइन एन एक्स बाय एन लिमिट्स ज़ीरो टू पाई, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव किया वन हो जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन साइन एन एक्स बाय एन डी एक्स ज़ीरो टू टू पाई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपर लिमिट पुट करेंगे टू पाई तो साइन टू पाई ज़ीरो होता है, तो लोअर लिमिट पुट करेंगे साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, तो ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा ज़ीरो। सेकंड फंक्शन, अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो इंटीग्रेशन साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस ऑफ कॉस एक्स, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं सीधे ही लिख रही हूँ इसको वन बाय पाई एन। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा कॉस एन एक्स बाय एन ज़ीरो टू टू पाई, तो ए एन किया तो वन बाय पाई एन स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर लिमिट्स पुट की, ठीक है, तो टू पाई साइन एन टू पाई, तो यहाँ पे बन रहा है कॉस ऑफ ज़ीरो वन होता है। ठीक है, तो ये क्या बन गया वन माइनस, अगर टू अगर एन की वैल्यू अब कुछ, ठीक है, ज़ीरो पुट करते हैं तो ज़ीरो बन जाएगा, वन पुट करोगे तो रहेगा, तो वो मल्टीपल ऑफ टू, तो जब भी कॉस की वैल्यूज मल्टीपल ऑफ टू होती हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है वन होती है। तो यहाँ से मेरे पास ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी ज़ीरो। ठीक है, अब निकालते हम बी एन की वैल्यू, तो बी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे सीधे ही लिख सकते हैं वन बाई पाई ज़ीरो टू टू पाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स थी इनटू यहाँ पे हो जाएगा कॉस एन एक्स डी एक्स। अब इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन मान के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकेंड की इंटीग्रेशन की माइनस ऑफ कॉस एन एक्स बाय एन हो जाएगा ज़ीरो टू टू पाई माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव वन इंटू सेकेंड की इंटीग्रेशन कॉस एन एक्स बाय एन ज़ीरो टू टू पाई डी एक्स। अब यहाँ पे लिमिट्स पुट की तो वन बाय पाई है, अपर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस टू पाई कॉस एन टू पाई बाय एन हो जाएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे एक्स है तो वो क्या बन जाएगी ज़ीरो, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, कॉस की इंटीग्रेशन करेंगे साइन बन जाएगा, यहाँ पे एन स्क्वायर बन जाएगा ज़ीरो टू टू पाई। अगर मैं यहाँ पे देखूँ टू पाई पुट करूँगी साइन टू पाई ज़ीरो बन जाएगा, ज़ीरो पुट करूँगी तो साइन ज़ीरो ज़ीरो बन जाएगा, तो ये वाली टर्म मेरी क्या बनेगी ज़ीरो बनेगी। तो यहाँ से क्या आएगा
पाई के साथ पाई कैंसिल, माइनस टू बाई एन कॉस, कॉस टू एन पाई क्या होगा, वन। ठीक है, तो बी एन की वैल्यू क्या आई मेरी, माइनस टू बाय एन। तो इसकी फोरियर सीरीज क्या हो जाएगी, एफ एक्स की वैल्यू थी मेरी एक्स, ए नॉट की वैल्यू है टू पाई, टू पाई बाय टू, एन वन टू इन्फानाइट, ए एन की वैल्यू क्या है ज़ीरो, तो ये वाली टर्म ज़ीरो बन जाएगी। तो सेकेंड टर्म बी एन की वैल्यू है ये साइन एन एक्स, तो ये मेरी क्या बन जाएगी सीरीज। तो ऐसे ध्यान रखना है कि लिमिट्स क्या गिवन है, ज़ीरो टू पाई, टू पाई गिवन है या फिर ज़ीरो टू पाई गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम इसकी एग्जांपल। उससे पहले अगर मेरे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं और एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, ठीक है, अगर मेरे पास कोई कंटिन्यूस फंक्शन है, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है? तो कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए आप क्या करोगे, अगर उसकी लेफ्ट हैंड लाइन, लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल है, राइट हैंड लिमिट की, तो वो फंक्शन क्या है मेरा, कंटिन्यूस होगा। ये चेक करने के लिए जैसे मेरे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर है, ठीक है, अगर मैं एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन है, अगर मैं x की वैल्यू, ठीक है, ये होती है ज़ीरो, ठीक है, ये क्या है मेरा राइट हैंड लिमिट है, ये क्या है मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू वन पुट करती हूँ, ठीक है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू माइनस वन पुट करती हूँ, x की वैल्यू माइनस वन पुट की, तब भी फंक्शन क्या है मेरा, वन ही है। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट के, तो मेरा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ना होके एक्स होता, एक्स स्क्वायर ना होके एक्स होता, तो यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू वन पुट करूँगी तो वन आएगा, बट अगर एक्स की वैल्यू माइनस वन पुट करूँगी तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस वन। तो यहाँ पे क्या देखती हूँ कि अगर तो एक्स स्क्वायर है मेरा फंक्शन, तो ये क्या है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है। तो कंटिन्यूस फंक्शन में तो मेरा फंक्शन अगर एफ एक्स एक्स स्क्वायर है तो ये क्या है, कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस फंक्शन के लिए जब भी हम एफ ऑफ एक्स किसी पॉइंट पे फाइंड करेंगे तो वो हम सीधे ही लिख सकते हैं, जैसे ये है, मैं एफ ऑफ पाई पे इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहती हूँ, तो ये क्या हो जाएगी, पाई स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, सीधे ही। बट अगर मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो क्या होगा, अगर मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, ठीक है, तो जैसे एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, तो एक्स की वैल्यू अगर मैंने पाई पे फाइंड करती हूँ तो मैं सीधे ही नहीं लिख सकती, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ पाई माइनस, इसको लिखते हैं हम, जैसे ए पे मैंने वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या होगी, वैल्यू ए प्लस पे प्लस ए माइनस पे डिवाइडेड बाय टू। तो हम किसी की भी वैल्यू, ठीक है, अगर डिसकंटिन्यूस फंक्शन होता है तो हम उसकी वैल्यू ऐसे फाइंड करते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर सी पॉइंट पे, चलो नेक्स्ट एग्जांपल में जब ये करेंगे, ठीक है, उसमें आ जाएगा,
तो ये याद रखना है, पहले आपको अगर ठीक है ऐसी सीरीज बनानी है तो आपको एफ ऑफ एक्स की हमें वैल्यू पुट करनी होगी ठीक है किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे पहले आपको चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। अब मेरे पास फंक्शन गिवन है ये ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स माइनस पाई टू ठीक है, जब एक्स माइनस पाई टू जीरो है तो एक्स है, जब जीरो टू पाई है तो इसकी वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ एक्स है। तो अब पहले तो हमें इसकी फोरियर सीरीज फाइंड करनी है, तो फोरियर सीरीज के लिए ठीक है ये क्या होगा, पहले हम ए नॉट फाइंड करेंगे, ए नॉट यहाँ पर लिमिट्स क्या है, माइनस पाई टू पाई है तो मैं सीधे ही लिख सकती हूँ वन बाय पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अब वन बाय पाई यहाँ पे लिमिट्स माइनस पाई टू जब ज़ीरो करते हैं तो मेरा फंक्शन क्या है, एक्स है इंटू डी एक्स, प्लस जब ज़ीरो टू पाई है तो मेरा फंक्शन क्या है, माइनस ऑफ एक्स तो यहाँ से जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन बाय पाई एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस पाई टू ज़ीरो प्लस वन बाय पाई माइनस एक्स माइनस आउटसाइड लिख रही हूँ एक्स स्क्वायर बाय टू ज़ीरो टू पाई। तो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आएगा, ज़ीरो पुट करेंगे ज़ीरो ठीक है, फिर माइनस पाई स्क्वायर बाय टू आ जाएगा, माइनस पाई का होल स्क्वायर करेंगे पाई स्क्वायर ही रहेगा, माइनस वन बाय पाई पाई पुट करेंगे ये बन जाएगा, ज़ीरो पुट करेंगे ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, ये बनेगा पाई के साथ पाई कैंसिल, पाई के साथ पाई कैंसिल, तो माइनस पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू यहाँ से आ जाएगा मेरे पास माइनस पाई। तो यहाँ पे लिख रही हूँ ए नॉट की वैल्यू आई है मेरे पास माइनस पाई, शोर बहुत आ रहा था। तो अब ए नॉट की वैल्यू क्या थी मेरी, माइनस पाई। अब नेक्स्ट करते हैं ए एन की वैल्यू फाइंड, तो ए एन की वैल्यू हो जाएगी, मैं सीधे ही लिख रही हूँ ज़ीरो टू सॉरी माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस एन एक्स डी एक्स ठीक है, यहाँ पे फैक्टर होता है टू एन पाई एक्स बाय बी माइनस ए ठीक है। तो हम टू एग्जांपल्स कर चुके हैं तो यहाँ पे मैं सीधे ही लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा वन बाय पाई माइनस पाई टू जब ज़ीरो है तो फंक्शन एक्स है, प्लस वन बाय पाई जब ज़ीरो टू पाई है तो फंक्शन क्या है, माइनस एक्स है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ एक्स को माइनस एक्स कर दूँ, एक्स को माइनस एक्स के साथ चेंज कर दूँ ठीक है, तो ये लिमिट्स क्या हो जाएंगी, पाई टू ज़ीरो हो जाएंगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स करते हैं तो वो क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स ही होता है क्योंकि वो क्या है, एक इवन फंक्शन है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एन एक्स इंटू माइनस डी एक्स आ जाएगा ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा पाई टू ज़ीरो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ठीक है, यस ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे पास वन बाय पाई पाई टू ज़ीरो एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, प्लस यहाँ पे माइनस है माइनस ज़ीरो टू पाई साइन, यहाँ पे क्या है कॉस एन एक्स डी एक्स, इसको मैं अगर लिमिट्स को उल्टा दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
ज़ीरो टू पाई यहाँ पे आ जाएगा, माइनस साइन ये क्या लिख सकती हूँ मैं इसको, टू टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा, टू टाइम्स। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है बाय पार्ट्स, तो ये एज अ फर्स्ट फंक्शन और ये एज अ सेकंड फंक्शन, तो इसके इंटीग्रेशन की तो इसके इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस टू बाय पाई फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन करनी है साइन एन एक्स बाय एन, ज़ीरो टू पाई लिमिट्स हो जाएंगी, माइनस ज़ीरो टू पाई फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करना है तो वन हो जाएगा इंटू साइन एन एक्स बाय एन डी एक्स। अब यहाँ पे जब पाई पुट करेंगे साइन पाई ज़ीरो हो जाएगा, कॉस पुट करेंगे कॉस पाई सॉरी साइन पाई भी ज़ीरो होता है और साइन ज़ीरो भी ज़ीरो होता है, ये फंक्शन ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकती हूँ टू बाय पाई ज़ीरो टू पाई हो जाएंगी, ठीक है। अब साइन की इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस ऑफ कॉस आएगी, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस एन एक्स बाय एन का स्क्वायर ज़ीरो टू पाई। अब अगर पाई लिमिट पाई पुट करूँगी तो क्या होएगा, आउटसाइड लिख रही हूँ, पाई पुट किया प्लस कॉस ऑफ ज़ीरो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस ऑफ टू पाई एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है माइनस वन, ठीक है। माइनस माइनस प्लस लिख सकती हूँ मैं, सॉरी यहाँ पे नहीं आना था क्योंकि आउटसाइड लिख लिया है मैंने माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो इसको लिख सकती हूँ ये माइनस वन, ठीक है। तो माइनस टू बाय पाई कॉस एन पाई बाय एन स्क्वायर, ठीक है, माइनस कॉस ऑफ ज़ीरो बाय एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, हम इसको माइनस को अंदर अब्सॉर्ब भी कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, तो ए एन की वैल्यू क्या आ गई मेरी, टू बाय पाई एन स्क्वायर वन माइनस माइनस वन रेस टू पावर एन आ गई। अब सिमिलरली फाइंड करते हैं हम बी एन की वैल्यू, तो बी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन बाय पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, साथ में आता है साइन एन एक्स डी एक्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वन बाय पाई माइनस पाई टू ज़ीरो एक्स साइन एक्स डी एक्स, माइनस हो जाएगा वन बाय पाई ज़ीरो टू पाई एक्स साइन एन एक्स बाय डी एक्स इंटू डी एक्स, तो मैं सीधे ही लिख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सिमिलर वे करें तो यहाँ से क्या होएगा, x को माइनस एक्स के साथ चेंज किया तो ये बन जाएगा माइनस एक्स साइन, साइन क्या है, एक ऑड फंक्शन है, तो साइन माइनस ऑफ x क्या होगा, माइनस ऑफ साइन x, साइन माइनस ऑफ x क्या होगा, माइनस ऑफ साइन x, तो यहाँ से हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ऑफ डी एक्स, लिमिट्स हो जाएंगी पाई टू ज़ीरो, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस, तो ये बनेगा मेरे पास सेकेंड टर्म को लिखा अगर पाई टू ज़ीरो माइनस ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, लिमिट्स उल्टाई तो क्या बन जाएगा ज़ीरो टू पाई एक्स साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो मैं इसकी जगह पे ये लिख सकती हूँ
ज़ीरो टू पाई सेम है, कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो यहाँ से बी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, ज़ीरो। तो बी एन की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो। अब सीरीज क्या थी मेरी, एफ ऑफ एक्स, ए नॉट की वैल्यू क्या है माइनस पाई, प्लस ए एन की वैल्यू है ये आई है मेरी 2 बाय पाई समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1 बाय एन स्क्वायर कॉस एन एक्स, ये क्या है बी एन क्या है मेरी, ज़ीरो है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ, एन की वैल्यू 1 पुट की तो कॉस एक्स हो जाएगा प्लस 2 बाय पाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 1 बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है। जब यहाँ पे ए एन की वैल्यू नहीं पुट की हमने, वो आनी थी 1 माइनस माइनस 1 रेस टू पावर एन कॉस ऑफ एन एक्स। जब n की वैल्यू पुट की 1, ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट की तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में आ जाएगा 2 ऑफ x। सिमिलरली यहाँ पे अगर n की वैल्यू 2 पुट करती हूँ तो माइनस 1 रेस टू पावर 2 क्या हो जाएगा मेरे पास 1, तो 1 माइनस 1 0। तो जब भी n की वैल्यू इवन होगी ये फंक्शन क्या बनेगा मेरा, 0। तो जब भी ऑड वैल्यूज़ होंगी तो ये सर्वाइव करेगा। सिमिलरली एन की वैल्यू 3 पुट की तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर था तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो माइनस माइनस फिर 2 बन जाएगा कॉस ऑफ 3x, ऐसे ही चलता जाएगा। तो मेरे पास ये फंक्शन बन गया, ठीक है। अब हमें बनाना ये है, अगर बनाना ये है तो अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो यहाँ पे cos x ख़त्म हो जाएगा, तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो f ऑफ 0 माइनस पाई बाय 2 प्लस यहाँ पे क्या होएगा 4 बाय पाई cos 0 1 होता है प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 बाय पाई 1 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं 4 बाय पाई कॉमन निकाल लूँ तो क्या बन जाएगा, ये है, ठीक है, तो मेरे पास f ऑफ 0 क्या बना, माइनस पाई बाय 2 प्लस 4 बाय पाई 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अप टू, ठीक है, ये चलता जाएगा, ये बन गया। अब हमें f ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो f ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पता है, पहले चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है। तो इसके लिए हमें x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ठीक है, फंक्शन को, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करती हूँ या फिर x की वैल्यू क्या है माइनस 1 पुट करती हूँ, ठीक है, तो अगर आप देखोगे ये क्या है फंक्शन, एक कंटिन्यूस फंक्शन बनेगा। अगर मैं x की वैल्यू, ठीक है, 1 पुट की, 1 पुट किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा f ऑफ x की वैल्यू माइनस 1, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू माइनस 1 पुट करूं तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है माइनस 1 है। तो ये क्या है, एक डिसकंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 1 पे। बट अगर यहाँ पे मैं देखूं, ठीक है, यहाँ पे हमें चेक करनी है x इज इक्वल टू 0 पे। तो x इज इक्वल टू 0 पे चेक करने के लिए हमें क्या करना है, फंक्शन को, ये है फंक्शन, ठीक है, जब x इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो इस पॉइंट पे
ये बनेगा, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है, बट अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, ज़ीरो टू पाई है, तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। नेगेटिव, जब मैं एक्स की वैल्यू वन पुट करूँगी तो फंक्शन क्या है, नेगेटिव है, नीचे आएंगी इसकी वैल्यूज़, ठीक है, ऐसे आएंगी। जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव पुट करती हूँ मैं, ठीक है, तो ये क्या आएगा, मेरे पास पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी इसकी, ये फंक्शन बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ठीक है, x इज इक्वल टू ज़ीरो पे मेरा फंक्शन क्या है, ठीक है, डिसकन्टिन्यूस बन रहा है, ठीक है, या फिर बोल सकते हो इसमें चेंजेस आ रहे हैं, या फिर इस फंक्शन को हम जैसे हम डिफाइन करते हैं x मॉड का, उसका ग्राफ क्या होता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ज़ीरो पे क्या है, सडन चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, तो ये फंक्शन क्या है, मेरा डिसकन्टिन्यूस बनेगा। हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि जब x की वैल्यू ज़ीरो से पाई है तो माइनस एक्स है, जब माइनस पाई से ज़ीरो है तो इसकी वैल्यू क्या है, x है, तो ये फंक्शन क्या है, डिसकन्टिन्यूस बन रहा है, ठीक है। तो जब हम x की वैल्यू x इज इक्वल टू ज़ीरो पे निकालेंगे, मेरा ओवरऑल फंक्शन क्या है, डिसकन्टिन्यूस है, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम, f ऑफ ज़ीरो क्या होगा, f ऑफ हम लिख सकते हैं यहाँ पे ज़ीरो प्लस f ऑफ ज़ीरो माइनस डिवाइडेड बाय टू। अब अगर यहाँ पे x की वैल्यू आप ज़ीरो प्लस है, ठीक है, तो ये वाली होगी, यहाँ पे x की वैल्यू ज़ीरो करेंगे तो ज़ीरो ही बन जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करेंगे x की वैल्यू ज़ीरो करेंगे तो ज़ीरो ही बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, ज़ीरो। ठीक है, अगर ज़ीरो बन गया तो माइनस पाई बाय टू हो जाएगा प्लस पाई बाय एन। इसको पाई बाय टू लिख सकती हूँ, मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय फोर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा पाई बाय एट, वन का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, अप टू सो ऑन। तो ये मेरा प्रूफ हो गया। तो ध्यान रखना है फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर डिसकन्टिन्यूस है। यहाँ पे अगर मेरा फंक्शन ये ना हो के ये होता, यहाँ पे हो जाता मेरा ज़ीरो से पाई तक, ठीक है, ये होता मेरा फंक्शन। तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू, ठीक है, x मैं फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना चाहती हूँ x इज इक्वल टू पाई पे, तो ये मेरा फंक्शन देखने में ही लग रहा है कि ये क्या है, एक डिसकन्टिन्यूस फंक्शन है। तो x इज इक्वल टू पाई पे इसकी वैल्यू क्या होगी, f ऑफ पाई प्लस f ऑफ पाई माइनस डिवाइडेड बाय टू। अब पाई प्लस मीन्स ये वाला इंटरवल, ठीक है, इसमें क्या होगा, x प्लस पाई, x की हम x की वैल्यू पाई पे देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई प्लस x, पाई माइनस मीन्स लेफ्ट हैंड वाली लिमिट, तो क्या हो जाएगी, x माइनस पाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई, ठीक है, पाई के साथ पाई कैंसल, टू पाई, टू पाई बाई टू पाई हो जाएगी फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं डिसकन्टिन्यूस फंक्शन के लिए, ठीक है, कैसे f ऑफ x की वैल्यू फाइंड करते हैं किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x पे, अगर कंटिन्यूस है तो सीधे ही हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम इसका नेक्स्ट वीडियो में।